माफिया अशरफ ने पुलिस अधिकारियों पर लगाया बड़ा आरोप। अतीक का भाई बोला, बंद लिफाफे में धमकी वाला बम लेटर। माफिया अतीक का भाई है अशरफ, बम लेटर से मिली धमकी। बोला, दो हफ्ते में मुझे जान से मार देने की मिल रही है धमकी। कहा, मेरी हत्या हुई तो मुख्यमंत्री को पहुंचेगा लेटर। देखिए हत्या होने से पहले रची साजिश का कैसे कर रहा ब्रजवाहन से खुलासा। कई सालों से जेल में है, मैं 3 सालों से जेल में हूँ, मैं कैसे साजिश रच सकता हूँ। शाइस्ता परवीन फरार है, असद फरार है, वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी, वो प्रचार में लगी हुई थी, इसलिए उनको फंसा दिया गया। 11 फरवरी को कौन लोग आपसे मिलने आए थे यहाँ पर? अधिवक्ता मिलने आते हैं तो एलआईयू बैठ के मुलाकात कराती है, कौन आएगा मुझसे मिलने? 50 कैमरे लगे हुए हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं और आया था, 50 कैमरे लगे हुए हैं, एलआईयू के सामने मेरी मुलाकात कराई जाती है, अधिवक्ता तक के सामने बहाल के एलआईयू के सामने मुलाकात कराई जाती है। उस अधिकारी का साजिश रचूंगा, अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो हफ्ते में निपटाने आप जो बता रहे हैं, अधिकारी का नाम चीफ जस्टिस को, इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। अगर मेरी हत्या होती है तो क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अच्छा, धमकी दी है, क्या धमकी दी है एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। तो नाम बताइए, ऊपर आरोप है इसीलिए आपको रिमांड दे रहे हैं, मांगा जा रहा है। हाई कोर्ट का साफ आदेश है कि जो भी कानूनी कार्रवाई कोर्ट करना चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे कोर्ट से, मेरे भाई को जेल से निकाला गया। अच्छा, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी हो उसके लिए कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकती है। अशरफ आज और हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिया है मेरे लिए कि जब मुझे किसी भी वजह से जेल से अगर जेल ट्रांसफर वगैरह के लिए निकाला जाता है तो वीडियोग्राफी हो और मेरे पसंद का अधिवक्ता मेरे साथ रहे, जो कि कोई नहीं है। जेल में बात हुई मुलाकात हुई। क्या बोला आपके बड़े भाइयों? हमारे भाइयों के बीच की बात है, हम आपको कैसे बता सकते हैं? बताइए, सद्दाम जो आपका साला है उस पर कहा जा रहा है उसने यहाँ पे साजिश की आपके हमने की, अब कह रहे हैं सद्दाम ने की, हमारी बात ऐसे तो फिर बहुत से साजिश को नाम नहीं लिया। आपके ऊपर भी आरोप है, लेकिन सद्दाम चूंकि जेल से बाहर था जब वो 11 तारीख को 9 लोग मैं विधायक रहा हूँ, वो मेरा रिश्तेदार है, सादा है, बहुत सारे हमारे समर्थक, बहुत सारे जानने वाले। इसने कहा कि विधायक और एमपी जो है हत्या नहीं करवा सकते, इससे पहले भी आरोप लगे। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता परवार, सियासत में आया भूचा, कितना बदला प्रदेश।